आप सभी को दास की प्यार भरे नमस्कार और धन्यकार प्यारे संत महापुरुषों जी। गुरु और शिष्य का नाता सबसे पवित्र माना जाता है, बिल्कुल निस्वार्थ। यदि गुरु अपने शिष्य को भवसागर से पार होने का मार्ग बताता है, उसे मुक्ति प्रदान करता है, तो शिष्य भी कुछ कम नहीं होते। संसार में तमाम ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने कारोबार को, अपने जीवन को गुरु के चरणों में बलिदान कर दिया। चाहे आप आरुणी की बात करें, जिसने गुरु के धान के खेत की मेन से रिश्ते पानी को रोकने के लिए पूरी रात अपने आप को उस स्थान पर लिटा दिया और बेहोश हो गया, अकड़ गया, तो वहीं एकलव्य ने भी गुरु के एक इशारे पर अपने हाथ के अंगूठे को काट कर उनके चरणों में अर्पण कर दिया। एक शिष्य यदि अपने गुरु को अपने सर पर रखता है तो फिर उसे तीन लोकों में किसी का भय नहीं होता। संत कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाही। इसका अर्थ यह है कि जब उसे अपनी बुद्धि से काम लेना हो तो वो अपनी बुद्धि से काम ना ले, उसके स्थान पर वो अपने गुरु की बुद्धि से काम ले। गुरु जो कहते हैं वो वैसा करे, जो गुरु कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे धाओ। यदि गुरुसिख ऐसा करता है तो फिर उसे किसी का भय नहीं रहता। गुरु का वचन सदा सुखदाई, इस बात को मानने वाले गुरुसिख हर काल में और हर युग में रहे हैं, आज भी हैं। आप भी ऐसे हो सकते हैं सत्संगत और संत महापुरुषों। इस वीडियो में आज दास जिस महान गुरुसिख की बात करने के लिए जा रहा है वह है संत निरंकारी मिशन के पहले उप प्रधान डॉक्टर देसराज जी। इन्होंने हमेशा अपने गुरु के आदेश को अपने जीवन में हूबहू उतारा। बाबा जी ने कहा अपने दवाखाने को बेच दो, तो इन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, आदेश दे दिया बेचने का। दरअसल हुआ यूं कि एक बार बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज विदेशों की कल्याण यात्रा पर अपनी प्रचार टोली के साथ जा रहे थे। हवाई अड्डे पर पहुंच करके पता चला कि फ्लाइट उड़ने में भी कुछ देर है, अपनी प्रचार टोली के साथ ये पार्क में जाकर के बैठ गए। डॉक्टर देसराज जी इन्हें विदाई देने के लिए आए थे। उस समय बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने इनसे कहा, डॉक्टर साहब ध्यान है, अब आप अपनी दुकान बेच दो, इसे बंद कर दो और अपना सारा समय मिशन के प्रचार प्रसार में लगा दो। उन दिनों दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मेडिकल की सब दुकानें बंद रहती थी। अपने सदगुरु का आदेश आते ही इन्होंने अपने कंपाउंडर देसराज जी से कहा, आज से दुकान नहीं खोलनी है, दुकान का सारा सामान बेचने के लिए समेट लो। सभी हैरान थे क्योंकि इनके औषधालय में दूर दूर से मरीज जाते थे, मोटी आमदनी थी, परंतु ये तो गुरु भक्त थे, गुरु का आदेश आ गया तो इन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इनके पुत्र सुभाष ने इनसे कहा, पिताजी दुकान मत बेचेगा, बाद में मेरे काम आगी। इस पर इन्होंने कहा, बेटा सतगुरु का हुक्म इसे बेचने का आया है, इसी में हमारी भलाई है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब इन्होंने दुकान बेच दी ना तो उसे जो भी रकम मिली उसे इन्होंने अपने खर्च में नहीं लगाया, बल्कि वो सारी की सारी रकम मिशन को समर्पित कर दी। इसके बाद परिणाम यह हुआ कि सदगुरु बाबा जी ने इन्हें न केवल देश का बल्कि विदेशों तक में मिशन का प्रचारक नियुक्त कर दिया और फिर ये सारे जीवन मिशन की यूं ही सेवा करते रहे। ये अक्सर नए ज्ञान लेने वाले गुरुसिखों के अंदर एक चीज को कूट कूट कर भरने का प्रयास करते थे कि यही निरंकार है और इसका ज्ञान देने वाला गुरु भी पूर्ण ही है, वो इसी का साकार रूप है। और जब इसका प्रवेश आपके जीवन में हो गया तो आज से पहले आपने जो भी भ्रम और भूलेखे पाल रखे थे उन्हें परे हटा दो, क्योंकि इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और चूंकि इसका प्रवेश आपके जीवन में हो गया है तो आपके साथ कुछ भी अप्रत्याशित अनिष्ट नहीं हो सकता। एक बार की बात है, एक दंपति ने ज्ञान प्राप्त किया था और वो नित्य निरंतर सत्संग सेवा और स्मरण करने लगे। एक दिन एक विशेष घटना हो गई, दीपावली का दिन था, उनके घर में कुछ मिठाई के डिब्बे रखे थे, शाम को ठीक ठाक रखे थे। सवेरे जब उठे तो दंपति ने देखा कि सारे के सारे मिठाई के डिब्बों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। वो तो घबरा गए, दौड़े दौड़े डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब उसी समय अपने सारे काम छोड़कर इनके घर पहुंचे, उनके पूरे घर में चरण डाले, सिमरन किया और चरणामृत उन मिठाई की डिब्बों पर छिड़का। फिर समझाते हुए कहने लगे, गुरुसिख किसी भ्रम भुलेखे में नहीं पड़ता, ये निरंकार सर्वशक्तिमान है ना, कोई बुरी नियत से किसी माध्यम से अगर गुरुसिख का बुरा करना चाहे तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि निरंकार है। गुरुसिख निरंकार के भरोसे रहता है, आप इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना। और ऐसा कहकर उन्होंने मिठाई का एक डिब्बा उठाया और उनके विश्वास को पक्का करने के लिए पहले स्वयं
एक पीस निकालकर खुद खाया और फिर उन्हें भी खिलाया। और सासंगत इस प्रकार एक नया नया गुरसिख दुविधा से बच गया, भ्रम विवेक से निकल गया। कुछ दिनों के बाद यूं हुआ कि वो व्यक्ति जिसने उनके साथ ऐसा किया था उनके घर आकर माफी मांगने लगा, कहने लगा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आपके सद्गुरु पूर्ण हैं, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार ये नए नए गुरसिखों के विश्वास को पूरी तरह से पक्का करने का भी काम करते थे। आपको क्या लगता है कि एक गुरसिख को भ्रम भुलेखों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने गुरु और इस निरंकार पर पूरा भरोसा रखना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करना और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद। संतो महापुरुषों जी।